अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? जी आपने हमारा पिछला सफ़र देखा, पेशावर हम आए हुए 47 आप रहमान बाबा एक्सप्रेस पे। आज वापसी का सफ़र है, मुल्तान जाना है हमने, लेकिन हम ब्रेक जर्नी करेंगे। पहले जाएंगे रावलपिंडी और फिर आगे का कुछ आसरा करेंगे। वक्त हो गया सुबह के 7:40, 49 वाम एक्सप्रेस में हमने जाना है और 9 बजे चलती है यहाँ से। अभी काशी भाई मेरे दोस्त जो साथ आए हुए हैं वो फ्रेश हो रहे हैं और इसके बाद फिर हम निकलेंगे। हमने होटल लिया हुआ है यहाँ पे अलगफ़ार होटल स्टेशन के करीब, एरिया का नाम मुझे ठीक से पता नहीं है। बड़ा डिसेंट होटल है, जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं आपकी वो पुरसकून है। रात को हमें अच्छी नींद आई है, कमरा एयर कंडीशन था, चिल था माहौल। हमने दो बेड का साफ़ सुथरा, साथ में वाशरूम, हमने इसका 4000 रुपया दिए। आपको कमरा भी दिखा दूँ, ये राशिद भाई का बेड है, वो बाथरूम है, ये दरवाज़ा है, एयर आई एम। तो अब क्या सिलसिला है कि हमारे एक दोस्त हैं मेरे बहुत प्यारे शाहिद साहब, वो पेशावर ही के हैं लेकिन वो शहर से बाहर थे, तो उन्हें भी इतला थी कि हम आ रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी रॉयल ट्रीटमेंट हमें दी है, रात को बड़ा लाविश डिनर किया है हमने, उन्होंने भिजवा दिया था कमरे में ही, जो पेशावर के दम पुख्त और तिक्के स्पेशल नमक मंडी से, जो सिर्फ नमक में और अपनी ही चर्बी में तैयार होते हैं। एक दफ़ा फिर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। रात हमने बड़ा जना पूरा इंसाफ किया उनके साथ, और इसके बाद फिर मुल्तान के हम हमें अपने शहर की सौगात यहाँ पर मिल गई, चौंसा, वो भी हमने दिल खोल के खाए हैं रात को। तो ये हमारा रात का डिनर था शाहिद भाई की मेहमान नवाजी पेशावर में। तो चलते हैं, फिर अभी थोड़ी देर पर निकलते हैं, फिर आपसे जाके स्टेशन में मुलाकात करते हैं। पेशावर में बारिश हो रही है, गफ्फार होटल यहाँ पे रुक के सुबह का सफ़र ही बहुत ज़बरदस्त आगाज़ हुआ है। बारिश हल्की हल्की हो रही है और मौसम इज़ यू नो ऑसम, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज का सफ़र। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जी पेशावर कंटोनमेंट स्टेशन पर पहुँच गए, सफ़र शुरू होने वाला है, लेक प्लेस हो गया, 453G20 लेके जाएगा आज 14 अवाम एक्सप्रेस को, और हम सफ़र करेंगे पिंडी तक। 8:43 हो गए और इसका डिपार्चर टाइम 9 बजे होता है। पेशावर से जो चलने वाली गाड़ियां हैं 40 सुबह चलती है 7 बजे, 9 बजे 14 चलती है, 11 बजे 48 चलती है, और इसके बाद रात को 10 बजे 2 चलती है। तो अभी इसका टाइम है, इसमें बिजनेस क्लास भी आज लगी हुई है, हम इसी स्टैंडर्ड में सफ़र कर रहे हैं, और कल रात ही हम आए हैं 47 अप पे, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। पेशावर का मौसम भी बहुत प्यारा है, हल्की हल्की बारिश हुई है, अभी थोड़ी सी रुक गई है, लेकिन अमेजिंग वेदर है। तो सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक प्लेजेंट ट्रेन जर्नी के, वो मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मज़ा आने वाला है। हाँ जी, 15 रह गए हैं डिपार्चर में, एसी स्टैंडर्ड कोच नंबर 12 में हम सफ़र कर रहे हैं आज रावलपिंडी तक। ये हमारी कोच है, अभी खाली है, हमने साइड वाली सीट ली है, ज़रा इजी होती है उसमें उठना बैठना। 5 रहते हैं अभी इसके डिपार्चर में, ऊपर
पेशावर रैपिड बस ट्रांसपोर्ट सर्विस आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। बारिश लगता है ज़्यादा हुई है आज। जो ट्रैक पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की जो लाइन है उस पर और नीचे सारा पानी खड़ा है। रात को हुई है किसी वक्त, हमें अंदाज़ा नहीं हुआ। हम सो रहे थे मज़े से, तो स्टिल 2-3 मिनट्स टू गो। अभी बारिश रुकी हुई है इसलिए कैमरा को बाहर निकालने में कोई मसला नहीं है। ये दूसरा डिपार्चर हॉल, इसके रावलपिंडी तक परहैप्स 6 स्टॉप हैं। पेशावर सिटी को अगर काउंट ना करें तो फिर उसे भी काउंट करें तो 7 हो जाएंगे। पेशावर सिटी, इसके बाद शहरा, दैन जहांगीरा रोड, दैन अटक, इसके बाद हसन अब्दा, टैक्सला, गोलड़ा शरीफ और रावलपिंडी। 9 बजे यहाँ से डिपार्चर है। 12:30 इसका शेड्यूल्ड अराइवल है। लेट अस सी कि ये कितने टाइम पे हमें पहुंचाती है। ये पेशावर स्टेशन कुछ अजीब सा है कि इसके जो वॉशिंग लाइंस और ये यार्ड की जो लोकेशन वो थोड़ी लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ऊंची है। जो ट्रैक है वो स्टेशन से लेकर तो ही डाउनग्रेड शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। इस दीवार के दूसरी तरफ रेक्स खड़े हैं, इसके पीछे रहमान बाबा निकल लिए 11 बजे। पेशावर का मेरा पहला ट्रिप है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। हम एक रात ही रुके हैं, ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा लेकिन मज़ा आया। मैं अभी इकॉनमी क्लास में बैठा हूँ शूटिंग के लिए, नहीं तो दरवाज़े में खड़ा होना पड़ता है। रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ साथ है छोटी छोटी मार्केट्स। पेशावर
पेशावर सिटी स्टेशन आ गया। ये स्टेशन में रात को नहीं दिखा सका, 47 आप की जर्नी में अंधेरा था। बहुत प्यारे प्यारे स्टेशन थे, मैं चूँकि पहली दफ़ा देख रहा हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे। तकरीबन 3 मिनट यहाँ पे स्टॉप किया पेशावर सिटी पे। सामने से खैबर मेल से हमारी क्रॉसिंग है वानअप से, जो कराची से चली हुई है वो लेट चल रही है थोड़ी। इस वक्त अटक के आसपास है, नॉर्मली इस वक्त तक वो आ जाती है लेकिन आज थोड़ी लेट है। तो हमारी क्रॉसिंग एक्सपेक्टेड है मे बी जहांगीरा रोड के आसपास। देखते हैं कहां पे मुलाकात होती है। नसरपुर स्टेशन से हम थ्रू पास करेंगे। सिर पर भी मार्च प्लेटफॉर्म दूसरी साइड पर था इसका। से बाहर ये मैदानी इलाका और ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे पंजाब का है, सरसब्ज। फसलें भी वैसे ही लगी हुई हैं, गन्ने की फसल लगी हुई बैक साइड पे। चेक करें जी 96 950 हमारा एक्सपेक्टेड टाइम है दशहरा में। हम सिटी में एंटर हो गए हैं, अब शेड्यूल टाइम 945 का है, 5 मिनट डिले चल रहा है। ये पेशावर से निकलने के बाद पहला स्टॉप है।
काफ़ी लोग खड़े हैं ट्रेन के इंतज़ार में। यहाँ पे भी लगता है कुछ देर पहले बारिश हुई है, प्लेटफॉर्म पे थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा है। दो मिनट मुख्तसर स्टॉप किया नशारा पे, वक्त 9:52 सिर्फ 5 मिनट का डिले है। नेक्स्ट स्टॉप होगा जहांगीरा रोड। और उसके बाद फिर खैराबाद के पास दरिया सिंध का क्रॉसिंग देखेंगे एक दोबारा। 47 अब में हमने शाम का मंजर देखा, तो आज दरिया की अपसाइड चेक करेंगे हम दूसरी तरफ से। ये कुछ दरिया के साथ साथ भी चलती है कुछ देर और फिर दरिया को क्रॉस करती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर, रिवर इंडस, खैराबाद के पास हम क्रॉस करेंगे उसको। आज शेरपाव का स्टेशन है पर हम अबैंडन्ड है। दशहरा से निकलने के बाद फिर एक दफ़ा काम चुक दिया था और जो वानप है वो अभी मज़े कर रही है। अटक सिटी पहुंची है बड़ी मुश्किल से, उससे क्रॉसिंग लगता है कि खैराबाद के आसपास कहीं होगी। जहांगीरा रोड तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन खैबर मेल अभी वानप काफ़ी पीछे है। अवाम एक्सप्रेस का मेरा पिछला एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि ये एक हिचको चलने वाली गाड़ी है। ये बंद होने के बाद मैं पहली दफ़ा इस पर बैठ रहा हूँ। पेशावर से तो 14 डाउन GU20 की लीड में इज डूइंग ए फास्ट एंड फ्यूरियस जॉब। थोड़ा खटक PLC पकड़ी है, बड़ी स्पीड में पकड़ी है PLC बाय हुक। जहांगीरा रोड के लिए अप्रोच बना रहे हैं। ट्रेन ब्रेक सप्लाई हो गई है, ट्रेन काफ़ी स्लो हो गई है। सिग्नल राइट है फॉर स्टॉपेज, थ्रू सिग्नल नहीं है। जहांगीरा रोड 2-3 मिनट का यहाँ पे स्टॉप किया है और 2-3 मिनट ही डिले से चल रहा है। इस वक्त 10:12 हुए हैं। यहाँ से निकलने के बाद अगला शेड्यूल स्टॉप अटक सिटी जंक्शन पे है, वो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की जर्नी है यहाँ से। लेकिन ये जर्नी आई बिलीव मे बी द बेस्ट सेगमेंट ऑफ द होल जर्नी फ्रॉम पेशावर टू रावलपिंडी। इसमें काफ़ी सीनिक रोड है, स्पेशली रिवर इंडस के साथ साथ खैराबाद के पास और
खैराबाद से हालदा बैटेल अटक खुर तक वो सेक्शन देखने वाला है। वनअप भी अटक सिटी से निकल पड़ी है और हम जहांगीरा रोड से दरमियान में दो स्टेशन हैं जहां पे क्रॉसिंग पॉसिबल है, या तो अटक खुर्द पे होगी दरिया के उस तरफ या खैराबाद में दरिया से इस तरफ। तो अगर खैराबाद पे होती है तो 14 डाउन रास्ता देना पड़ेगा, और अगर अटक खुर्द पे हुई है तो देन वनअप वहाँ पर रुकेगी। देखें अब क्या सूरत हाल होती है। तुमने क्या हाल भाई साहब? बस कह रहे सर, ये हमारे साथ हैं कोल्ड ड्रिंक्स लेके, भाई साहब ड्यूटी पे हैं तो इनसे भी गपशप हो रही थी। अभी हम जहांगीरा रोड से निकले ये नबील साहब हैं। कौन कौन सी ट्रेन पे अब चलते हैं जनाब? सारा पे। कौन सा सेक्शन है, मतलब पेशावर से आगे या पेशावर से आगे कराची भी जाते हैं, लाहौर भी जाते हैं। अच्छा, फैसलाबाद भी जाते हैं। अच्छा जी, खड़ा गरम पे भी ग्रीन। चलें ठीक है जनाब। टनल में से गुजर रहे हैं इस वक्त, अंदर बड़ी डिम लाइट है। बैक टू बैक टनल आ रहे हैं। वन अप अटक खुर्द से निकला ये, और तो लगता है कि हमें ही खैराबाद में उसको रास्ता देना पड़ेगा। खैराबाद से सिग्नल तो हमें थ्रू का, लेकिन स्पीड बहुत कम है, ये लग रहा है कि रुकना पड़ेगा। ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो जी यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है वन एफ के साथ। खैराबाद पॉइंट स्टेशन पे ब्रोकन डाउन रुकी हुई है, सामने से वाला पा रही है, अभी इसका इस्तेमाल करते हैं। मौसम बहुत प्यारा है खैराबाद जंक्शन पे, नहीं खैराबाद जंक्शन नहीं है, खैराबाद स्टेशन पे वेट हो रहा है खैबर मेल वन अप का, अभी तक वो नज़र नहीं आ रही। और हम
बहुत अच्छी रन दे रही थी 14 डाउन, लेकिन ये क्रॉसिंग सिंगल लाइन पे होती हैं। वन अप ऑलरेडी 6 घंटे से ज़्यादा लेट है और अभी वो किसी के सामने से निमोदार होगी। ये 14 डाउन, वो है वन अप। और 06 की डेट में सर सी 20 सिग्नल राइट हो गया। मेरा बस से रवाना हो गए। अभी हम कुछ देर दरिया के साथ साथ ट्रैवल करेंगे, दरिया हमारे लेफ्ट साइड पे होगा और फिर आगे जाके दरिया को क्रॉस करेंगे और दूसरी तरफ आएगा अटक खुर्द का स्टेशन। पहला व्यू ऑफ माइटी रिवर इंडस, सामने आप ब्रिज देख रहे हैं उसके पास वो हमने क्रॉस करना है कि दरिया हमारे साथ साथ। नीचे सिटी रोड बड़ा मशहूर कन मंजर है, दरिया के साथ साथ हम जा रहे हैं एक तरफ दरमियान में सड़क, दूसरी तरफ रिवर इंडस और एक तरफ हमारी ट्रेन 14 डाउन थाला एक्सप्रेस। अब ये एक शार्प लेफ्ट कर लेती हुई दरिया को क्रॉस करेगी।
इस 7 अप की जर्नी में हमने दरिया के दूसरी तरफ का मंज़र कैप्चर किया था। आज इसकी अपसाइड देखो, वाव, सिंपली वाव। सेट पे आया हूँ, यहाँ पे अटक खुर्द का स्टेशन आना है। स्टेशन पे आए, सफारी ट्रेन आके रुकती है। रोमियन का स्टेशन है, रोमियन। इसके बाद अटक सिटी जंक्शन, वहाँ पर स्टॉप है और हो सकता है थाल एक्सप्रेस से भी क्रॉसिंग हो अटक में। 130 डाउन थाल एक्सप्रेस। इसी स्टैंडर्ड की हमें कोच मिली है, शीशा इसका काफ़ी साफ है लेकिन नॉइजी तो है थोड़ा, लेकिन फिर भी सीनरी मतलब कैप्चर की जा सकती है फ्रॉम इनसाइड। अटक सिटी भी 15-20 मिनट डिले के साथ पहुंच रहे हैं। वक्त हो 11 पूरे बज गए, जो क्रॉसिंग हुई है खैराबाद में उसकी वजह से कुछ डिले चल रहा है, अदरवाइज G20 हैड डन अमेजिंग रन। यहाँ पे बहुत सारे लोग तैयार हैं सवार होने के लिए, यहाँ से गाड़ी फुल होगी। रामा अटक
सिटी से डिपार्चर। अगला स्टॉप है हमारा हसन अब्दाल, उसके बाद टैक्सला, देन गोलड़ा शरीफ और फिर रावलपिंडी। रावलपिंडी 12:30 का इसका एक्सपेक्टेड अराइवल है, अभी 11 बज गए हैं, देखिए क्या आता है। चिल हो रहा है जनाब एसी स्टैंडर्ड में, ट्रेन खाली है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, हम अटक से चल पड़े हैं तो साइड वाली सीट का अपना मज़ा है। काश पे किधर हैं आप? वो काश पे बैठे हैं, 49 ने मज़ा करा दिया जी, बहुत अच्छा जर्नी रहा इसके साथ, मौसम की वजह से बहुत मज़ा आया। ये स्टैंडर्ड है हमारा 12 नंबर कोच, रावलपिंडी तक हमने सफ़र करना, वक्त हो गया 11:15। लग रहा है कि इस सफारी ट्रेन को आ रही है सामने से, और हम ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए हैं यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे सनोमैन लैंड, कोई स्टेशन नहीं है, आउटर सिग्नल के बाहर खड़े हैं। स्टेशन आई डोंट नो कौन सा आ गया, सिग्नल हो गया जनाब। चलो जी अंदर चलते हैं, ये मेरे नीचे आने के इंतज़ार कर रहे थे, 15 मिनट से यहाँ पे हम खड़े हैं। सफारी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होगी आगे। अभी एसी स्टैंडर्ड के अंदर से ही शूट कर रहा हूँ, जो जितना सेगमेंट है आगे पिंडी तक ऐसा ही करेंगे। ये जी सफारी ट्रेन, इसका इंतज़ार हो रहा था। स्टेशन आ रहा है, परहैप्स ये बुरहान का स्टेशन है, जो एक दो अनशेड्यूल स्टॉप हुए हैं उसकी वजह से इस वक्त ट्रेन 20 मिनट्स डिले के साथ रन हो रही है। इस वक्त 11:35 में 11:50 पे हमारा नया नेक्स्ट अराइवल है एक्सपेक्टेड, हसन अब्दाल स्टेशन है। बारिश हल्की हल्की यहाँ पे भी हुई है, ये वाला जर्नी बारिश की वजह से 4 चांद लग गए हैं इसको। अप्रोच बना रही है हसन अब्दाल के लिए, 11:48 हुए हैं। हसन अब्दाल पर भी काफ़ी लोग इंतज़ार में खड़े हैं। एक बैंड भी मौजूद है, शायद ये बारात के साथ जा रहे हैं या आ रहे हैं। जमात भी मौजूद है, हाँ।
डिपार्चर ऑन दिया है हसन अब्दाल से, 2 मिनट का स्टॉप किया हमने, 14 डाउन, चल पड़ी है जनाब। नेक्स्ट स्टॉप होगा टैक्सला में। टैक्सला सिटी मेंटर हो गया, टैक्सला पे 2 मिनट स्टॉप। जब पेशावर से हम निकले थे तो खाली थी जहांगीरा रोड तक, इवन अटक में जाके इसमें लोगों का रश पड़ा और उधर लड़ाई शुरू हो गई है। ट्रेन में चढ़ने उतरने की वजह से कुछ झगड़ा हो गया उधर। जीटी रोड के साथ साथ रावलपिंडी पेशावर, गोलड़ा शरीफ स्टेशन के लिए अप्रोच बना रही है ट्रेन 14 डाउन। वक्त है 12:30, ये इसका शेड्यूल्ड अराइवल है रावलपिंडी का, वही 20 मिनट तकरीबन यहाँ से लेट है। दूसरी तरफ वाला जो प्लेटफॉर्म है वो बड़ा विंटेज स्टाइल का बनाया हुआ है, उसमें एक रेलवे म्यूजियम भी है। दिस इज द रेगुलर वन। ऑलरेडी 60 सेकेंड्स का स्टॉप है, ऑलरेडी डिपार्चर ऑन दिया। अभी हम उतरे थे, 2-3 फैमिलीज ही थी जिन्होंने यहाँ से बोर्ड करना था। वी आर गुड टू गो।
सन इज़ आउट, धूप निकल आई है, लेकिन अभी भी मौसम प्लेजेंट ही है। बड़ी करवी एंट्री है रावलपिंडी की, अप साइड से पेशावर की तरफ से। अभी 4 नंबर पे जाती है या 5 नंबर पे या 3 नंबर पे, अभी पता चल जाएगा। 4 पे तो ट्रेन खड़ी है ऑलरेडी मेरा। दो नंबर प्लेटफॉर्म है जहाँ से थानला एक्सप्रेस और महर एक्सप्रेस मुल्तान के लिए जाती हैं। तो हॉट पैसेंजर भी पर यहीं से चलती है। पिडली पे हल्की हल्की गर्मी है, धूप निकल आई है, बस अभी दोपहर का टाइम हो गया। लेकिन पेशावर में इवन अटक तक मौसम ऑल द वे क्लाउडी था, बहुत प्लेजेंट जी। अवाम एक्सप्रेस 9 बजे पेशावर से चली थी और इस नई मंजिल है कराची, ये कल शाम को ऑलमोस्ट 7:30 बजे इसका शेड्यूल अराइवल है। तकरीबन 35 घंटे ये लेती है पेशावर से कराची तक। और ये चूँकि अवाम की ट्रेन है तो इसके शेड्यूल स्टाफ्स भी इसी तरह है, 60+ शेड्यूल स्टाफ्स हैं, प्रिसाइसली 63 पेशावर कैंट और कराची कैंट के दरमियान 63 शेड्यूल स्टाफ करने के बाद ये 35 घंटे में कराची पहुंचती है। हमने रावलपिंडी तक सफ़र करना था, यहाँ तक इसके सिर्फ 7 शेड्यूल स्टाफ थे और इसमें टाइम गया एग्जैक्टली 4 घंटे का। दस मिनट कम 4 घंटे, 20 मिनट तकरीबन ये लेट है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म भरा हुआ है अवाम एक्सप्रेस के इंतज़ार में। माशाल्लाह बहुत पॉपुलर ट्रेन है। अच्छा जी, ये है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। सफ़र हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है आज 14 डाउन का। तो अभी आगे का सफ़र है वो फिर नई वीडियो में आपको दिखाएंगे। दुआ में याद रखिएगा और आपके प्यारों का अपने रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।